देखो विरोध किया था भारतीय जनता पार्टी ने, हम अगर खुली बात नहीं करेंगे तो जो नई पीढ़ी है, जो 29 साल पहले ये मंडल आयोग लगा था, तो 29 साल पहले की नबार्ड की जो पीढ़ी है उनको ये पता भी नहीं चलेगा, तो हम हिचकिचाना नहीं चाहिए, सीधे बोलना चाहिए हमला आज भी जरूरत है। देखो अडवाणी जी का एक शब्द है उस वक्त का कि देश का दूसरा पार्टीशन हुआ, जब बीपी मंडल के नेतृत्व वाला मंडल लग गया तो पार्टीशन हो गया, बोले फायनी हो गई, बोले देश की फायनी दुबंगला, मराठी में उधर हमारे पास जो बातमी आई देश दुबंगला, मतलब पार्टीशन हो गया। जेठमलानी जी जब उनके समर्थक थे उन्होंने भी कहा कि देश की दूसरी पार्टीशन हो गई, तो इस तरह से भी बयान यहाँ पर आए। अटल जी तो बोले, सब बोलते हैं मध्यम मार्गी है, उनकी पार्टी गलत है, लेकिन अटल जी बराबर थे, लेकिन वो झूठ था, वो सच नहीं था। अटल जी खुद बोले आपने मंडल लगाया तो हम कमंडल लेकर निकले हैं और आपको मंडल को हम रोकेंगे, लेकिन वो रोक नहीं पाए, मंडल का रथ तो हमारे शरद यादव ने ही और लालू प्रसाद जी ने ही रोका। जब मंडल जी ने जाति हमारी समाविष्ट की थी तो 3743 जातियां थी, आज तो कम से कम देश में 5000 जातियां उसमें घुसी है, जो भी बचे कुचे हुए थे उनको भी उसमें डाल दिया है। कुछ सच्चे हो सकते हैं, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर की जाति मंडल में नहीं थी, प्राइम मिनिस्टर की जाति मंडल में नहीं होने के बाद भी मंडल में उनको घुसाया गया और प्रोजेक्ट किया ओबीसी बोल के और देश के ऊपर उनको बोगस ओबीसी हमारे सर पे बिठाया गया, जिसका नतीजा आपने 13.5% में देखा, आपने जो 10 पॉइंट का लगाया 10% का, तो हमारे संविधान को एक चैलेंज दिया है ये प्राइम मिनिस्टर ने। ये बात आप ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हमारे संविधान में कहीं भी आर्थिक निकष के ऊपर आरक्षण की तरतूद नहीं होने के बावजूद भी वहां पर उन्होंने डाला है, तो इसके खिलाफ भी हमको संघर्ष हम तो करते रहे हैं। हमने मंडल के बारे में तो सब बोले 402 जिले में गए मंडल, 402 जिले, ऐसा कोई नेता नहीं है कि जो 402 जिले में जा सकता है, और जो माइक्रोकास्ट है, जो माइक्रोकास्ट को भी उन्होंने उसमें कैसा रखा है। यहाँ बोला अभी किसी ने तो, अरे जो मंडल आयोग की जातियां थी वही मोर्चे निकाले, उसमें से एक महादेव जानकर है साहब, मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो धनगर है, फिर भी उसने मोर्चे निकाले कि ये नहीं चाहिए हमको, इनको लगा कि ये एससी को ही दिया है, इतने अनभिज्ञ थे ओबीसी, अपने लिए ही वो कौन कर रहा है क्या, इसका उनको पता नहीं था। आज आरक्षण खत्म करने जा रहे हैं तो आरक्षण को संरक्षण की जरूरत, हमारे नेता आदरणीय शरद यादव जी यहाँ पर आए हैं, स्वागत करने का मैं आप सबको बोलती हूँ, धन्यवाद। साथियों आज जो नेता हाउस में है लोकसभा में राज्यसभा में बैठे हैं, वो रामदास अठवले हो, उदित राज हो, हमारे पासवान साहब हो, ये सब आज नीचे मुंडी डालकर गपचुप बैठे हैं। द्रौपदी का वस्त्रहरण होता था उस वक्त भीष्म गपचुप बैठे, द्रोण गपचुप बैठे और उनके कई लोग नीचे मुंडी डालकर बैठे, तो हमारी बहन द्रौपदी निवस्त्र करने का प्रयास वहां किया, तो कृष्ण ने बहुत अच्छी भूमिका बजाई। तो आज हम आपको सबको बोलना चाहते हैं कि देखो साथियों, हमारे द्रौपदी का, लोकतंत्र के द्रौपदी का वस्त्रहरण ये सभागृह में हो रहा है, ओबीसी का आरक्षण खत्म करने की साजिश रची जा रही है, तो भीष्म के जैसे, द्रोण के जैसे नीचे मुंडी डालना गलत है। अभी यहाँ बोला गया, मैं बोलूंगी आप सबको, यहाँ बोला गया
कि पार्टी के लिए हम खुलकर बात नहीं करते। हमारे अनिल जगीर जी ने बोला कि 70 MPs का समर्थन हमारे शरद यादव जी ने वीपी सिंह को जब दिया, तब मंडल आयोग की घोषणा वीपी सिंह साहब ने यहाँ पर की थी, ये भी यहाँ पर याद रखने की जरूरत है। लेकिन आज शरद जी के क्या हाल है, जो जो मंडल की बात करता है, जो जो ओबीसी की बात करता है, उसको राजनीति से नहीं जिंदगी से भी खत्म किया जाता है। आपने देखा गोपीनाथ मुंडे को, उसने मांगा था इनके साथ सबके कहने पर, तो उसको मार दिया गया। शरद जी को हाउस से निकाला गया, गलत तरीके से निकाला गया। लालू जी को जेल भेजा गया, छगन भुजबल को जेल भेजा गया। जो ओबीसी की बात करता है वो जेल में जाने की तैयारी करो, भुजबल के बाजू की कोठड़ी आपको मिलेगी, ऐसा हमारे नेताओं को बोला जाता है। इसका मैं निषेध करती हूँ, भारत सरकार के इस रवैये का। और मैं आपको यहाँ पर बोलना चाहती हूँ भाइयों, कि आज सज्जन निष्क्रिय है और दुर्जन सक्रिय है, तो सज्जनों ने सक्रिय होने की जरूरत है। जब तक राज सत्ता में हम नहीं आएंगे, तब तक हम इनके खिलाफ संघर्ष करने में कम पड़ सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बोलूंगी कि हम ओबीसी ने जो उर्मिलेश ने यहाँ कहा है, लेकिन मैं एक बात बोलूंगी भाइयों, जिसका दल नहीं उसका बल भी नहीं। तो दल तो ओबीसी को होना चाहिए, अगर दल आपका नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको फिर और भरी सभा में नीचे मुंडी डालकर लोकतंत्र का चिरहरण जो हो रहा है वो आपको सहना पड़ेगा। मैं इसलिए जातिगत जनगणना होनी चाहिए, ऐसा भी यहाँ पर मांग करनी चाहिए। हम लोगों ने शरद जी के बारे में मैंने बोला, हमारे लालू प्रसाद जी के बारे में हमने बोला, क्या पोजीशन हो गई उनकी। उनका तो ऐसा हुआ कि मेरे जनाजे में सारा जहां आया था, मेरे जनाजे में सारा जहां आया था, लेकिन वो नहीं आए थे जिनके लिए शरद जी का जनाजा निकला था। तो जिसके लिए जनाजा निकला, ओबीसी को अधिकार देने के लिए, साली माली देली कोष्टी तबोली आता मनियार लोहार सुतार कुंभार 18 पकड़ जात जिसको हम बोलते हैं, 12 बलूतेदार 18 अलूतेदार, कारो नारू के साथ ये देश बना है, हमने ये देश बनाया है। इन्होंने तो केवल देश को लूटा है। देश बनाने वाले ओबीसी है, देश बनाने वाले पिछड़े है, देश बनाने वाले एससी है, देश बनाने वाले एससी है। इनकी ताकत बढ़ाना, शरद जी की ताकत बढ़ाना, ये कहते हुए मैं आपको यहाँ पर मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। जय भीम जय भारत।